हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी में पेज नंबर 27 देखिए उसको मैं आपका जो ये अभ्यास है उसे कराऊंगी। ये देखिए जो कि मैंने आपको इससे पहले अ की मात्रा पढ़ाई हूँ और कल मैंने आपको ओ की मात्रा पढ़ाई हूँ, इन दोनों का जो अभ्यास चैप्टर है उसे मैं आज कम्प्लीट करा रही हूँ। तो चलिए आज इसमें देखिए क नंबर क्वेश्चन में क्या है, क नंबर क्वेश्चन में है इन शब्दों में सही जगह आई की मात्रा लगाइए। अब यहाँ पे क्या है, देखिए आप लोग कुछ शब्द दिया गया है बेटा, उसमें क्या है आई की मात्रा लगा के मुझे उसे सही करना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। पेज नंबर 27 निकालिए, देखिए यह अभ्यास, अभ्यास मीन्स जो आप लोगों ने चैप्टर में आई की मात्रा किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे आपको सॉल्व करना है। तो पहला क नंबर देखिए, क्वेश्चन क में कह रहा है इन इन शब्दों में सही जगह आई की मात्रा, आई की मात्रा तो आपको पता है कैसे है, आई की मात्रा लगाइए। देखिए यहाँ पे जो शब्द दिया गया हुआ है, सबसे पहले है यहाँ पे च अनो, ओके, उसके बाद है ख अरो, उसके बाद है स अरो, न अनो। अब देखो चौन क्या होता है, कुछ होता है दो अक्षर की शब्द है, लेकिन इसका जब इसमें कह रहा है अ की मात्रा लगाने के लिए, अ की मात्रा लगाकर अ की मात्रा लगाइए, तो हम किससे लगाएंगे, यदि हम नौ पे लगाएंगे चने हो जाएगा, तो सही मात्रा किसमें होगी, च में अ की मात्रा न चैन, ख में अ की मात्रा र खैर, स में अ की मात्रा र सैर, न में अ की मात्रा न नैन। ओके, आप लोग अपना अपना किताब में ये काम कीजिएगा, खुद में बुक पढ़िएगा। उसके बाद है त अर तर, ब ठ बट, र अन रन, प अर पर। अब इसमें किसे लगाएंगे, प में ए की मात्रा न बैग, ब में ए की मात्रा ख बैट, र में ए की मात्रा न रैन, प में ए की मात्रा र पैर। ओके, अब उसके बाद देखिए म या मया, फ अल्लाह थला, बे चौनो बेचन, प द ल पदल। अब हम इसको न्यू शब्द क्या बनाएंगे, ए की मात्रा लगा के म में ऐ की मात्रा लगाएंगे तो मैया, फ में ए की मात्रा ला फैला, बे चैन, ब में ए की मात्रा बे चैन, बे चैन, में की मात्रा पैदल, पैदल। सब में वही की मात्रा जो लगा के कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये सब अपना अपना आई की मात्रा के शब्द बनते जा रहे हैं। ओके, लास्ट में देखिए है ल थ क लठक, म द न म दान मदान, द क त ढकत, त आगे मात्रा होता है। अब देखिए इसे हम किस किस में लगाएंगे बेटा, ल ठ तो लठक, लठक है कुछ नहीं, हम ए की मात्रा लगाएंगे किस पे, लठई, ल ठ में ए की मात्रा तो लठई, म में ए की मात्रा द आना मैदान, ड क में ए की मात्रा तो डेके, तो में ए की मात्रा र आकर तैरा। ओके, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, आप लोग इसे अपने अपने किताब में भरिए, किताब में भरिए, भरे। ओके, चाइन खैर क्वेश्चन नंबर बहुत कंप्लीट हो गया, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं इसको इरेज कर रही हूं। ओके,
अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, खोल नंबर में देखिए आप लोग, कह रहा है चित्र पहचान कर उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बैजू है, तो इसके ये क्या पकड़ा हुआ है, मैक पकड़ा हुआ है। तो मैक पे हम लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं, तो बैजू गवैया है, हैदर ने, ये फिगर देखिए कैमरा का है, कैमरा खरीदा। तो चलिए लिखिए, पहला जो है, पहला में क्या है, बैजू है, बैजू क्या है, गवैया, गवैया, बैजू गवैया है। दूसरा में देखिए, हैदर ने, हैदर ने, ये क्या है जो फिगर दिया हुआ है, कैमरा खरीदा, हैदर ने क्या खरीदा बेटा, कैमरा खरीदा, हैदर ने क्या खरीदा, कैमरा। यहाँ फिगर दिया हुआ है, किसका फिगर है, ये चित्र किसका है, कैमरा का। तीसरा नंबर में देखिए, कैलाश, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है उसमें आप घूमने गया, नैनीताल भी लिख सकते हैं और मैदान भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए, कैलाश नैनीताल, नैनीताल घूमने, घूमने गया। ओके, फोर नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, फैजल, ये फिगर देख रहे हैं आप लोग, ये फिगर जो है किसका, बैलगाड़ी का है। तो क्या होगा बेटा, फैजल, फैजल बैलगाड़ी, बैल, फैजल बैलगाड़ी चला रहा है। यह क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी अपना कंप्लीट हो गया। ओके, सेकेंड भी डन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, चित्र की सहायता से बाघ पहेली पूरी कीजिए। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, उसके सहायता से आपको इसको पूरा करना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसे आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेटा, गौ नंबर क्वेश्चन में है, चित्रों की सहायता से वर्ग पहेली पूरा कीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ये जो वर्ग पहेली बनाया गया है उसमें कुछ वर्ण भी दिया गया हुआ है, जैसे कि है लॉ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है, बाय। यहाँ पे आपको हिंट्स के लिए ये भी चार चित्र दिया गया है, बाय अलग, यहाँ पे बाय। अब यहाँ पे लॉ, ये देखिए क्या है, ये इसके हाथ में लाठी है, तो ये क्या है, लठई, ठ में की मात्रा तो लठई, तो ये क्या है, ततैया, तो में की मात्रा या ततैया, और ये पानी में तैर रहा है, ये क्या है, तैराक। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। ओके, ये देखिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। अब इसे हम नेक्स्ट चलिए दिखाती हूँ मैं।